पिछले दिनों आशा कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट और आरोपी की गिरफ्तारी ना होने के विरोध में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आशा और ऊषा कार्यकर्ताएं नारे लगाती हुई तहसील कार्यालय पहुंची, जहां तहसील कार्यालय के गेट पर जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी ना होने के विरोध में नारे लगाए गए। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उनकी मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांग ये है कि जो आशा बहन की टाइम पे उसका टीकाकरण के समय उसको मारा गया था, उसकी उससे गिरफ्तारी हुई नहीं। अभी तक 10 दिन हो गए, जो सरकार सुन भी नहीं रही। उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके हमारे लोगों की मांग यही है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे, कोई भी आशा काम नहीं करेगी। 4 तारीख में नरसिंहपुर जिले में जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली तक भी जाएंगे, लेकिन सर हमको न्याय मिलना चाहिए। उस आशा को जो अर्णा कौरव को पीटा गया है, मारा गया है, इसके हम सब आशा सहयोगनी आशा सब विरोध में हैं। और हम ये न्याय हमको चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी उस व्यक्ति की होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में गिरफ्तारी चाहते हैं हम, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई इलाज मिला, जब जाके उसको होश आया और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, फिर भी उसको देखने कोई नहीं आया। और आज तक वो बंदा जिसने हाथ उठाया है वो खुला घूम रहा है और लोगों को घर घर जाके ये धमकी भी दे रहा है कि मेरे खिलाफ जो भी यहाँ मेरी गवाही देगा उन लोग को मैं गाँव में नहीं रहने दूँगा। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या सहयोगनी हो, वो उनको गांव में नहीं रहने देगा। इतना गुंडा राज उसका चल रहा है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है और उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो हम चाहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तहसील कार्यालय के सामने खड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं की मांग कब तक मान ली जाती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।